नमस्कार दोस्तों, MCG एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, RPF के ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं और लगातार अपडेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। तो आज है दोस्तों आप लोगों का 16 सितंबर और एक भाई ने जो है लेट नाइट जो बच्चे होते हैं जिनका अच्छा होता है गुड मॉर्निंग में लेकर के आता हूँ, तो आज आप लोगों का इनका एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए बेस्ट में आया है, तो इसीलिए मैं इनका मॉर्निंग में लेकर के आया हूँ। भाई का एक्सपीरियंस बहुत ही सुनने लायक है, इस कारण से मैंने इनको मॉर्निंग शो में रखा है। सो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, भाई का एक्सपीरियंस पूरा अंत तक जरूर सुनना। और हाँ, आप लोगों ने यदि अभी तक MCG डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर आप लोगों के लिए जो है करेंट अफेयर, साथ ही साथ आप लोगों को डिफेंस का कोई भी एग्जाम होता है तो सारी की सारी अपडेट उस चैनल पर सबसे पहले आप लोगों को करवाया जाएगा। सो प्लीज़ उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ मेरे प्यारे साथियों, हर एक बच्चे का एक्सपीरियंस आप लोगों को कुछ ना कुछ देकर ही जाता है, तो हर बच्चे का एक्सपीरियंस पूरा अंत तक पूरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ मांगता हूँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे। हाँ नमस्कार सर, मैं MCG एकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। सर आपका जो है ट्रेड टेस्ट हो गया? हाँ सर हो गया। सर आप जो है अपना एक्सपीरियंस अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहते हो? हाँ जी सर। ओके सर, तो हर चीज आपको इस प्रकार से एक्सप्लेन करना है जिससे बच्चों को कोई भी क्वेश्चन ना रह जाए, हर डाउट क्लियर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं एक एक चीज ऐसे दिखाऊं बताऊं आपको कि आपके पास में कोई डाउट नहीं रहेगा। बिल्कुल, बच्चों का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं रहेगा, आपको लगता कोई डाउट आप पूछ सकते हो। बिल्कुल सर, बताइए सर किस प्रकार से क्या क्या वहाँ आपसे पूछा गया, क्या क्या करवाया गया सर, और हर एक चीज इस प्रकार से एक्सप्लेन करना, सब कुछ आना जाना रहना खाना, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है कि पहली बार जा रहे हैं तो हर वीडियो में मेंशन करवाता हूँ कैसे क्या हो रहा है। अब सर यहाँ पर क्या है कि जालंधर हाँ सर हाँ ठीक है हाँ सर, तो उस टाइम अपन उस गाड़ी में हाँ सर वहाँ पर दिन में तीन बार सुबह खाना, साथ दिन में खाना, शाम को खाना, चाय मिल लेती हाँ है, सुबह जल्दी बिस्कुट मिलते हैं, फिर दिन में चाय और बिस्कुट, बहुत अच्छी व्यवस्था सोने के लिए। हाँ सर बिल्कुल, मतलब आपको कोई होटल जैसी सुविधा मिलेगी, आपको वहाँ पर घर के जैसी सुविधा मिलेगी, नहाने को अच्छा, पीने को ठंडा पानी मिलेगा और खाने के लिए अच्छा खाना मिलेगा। हाँ सर हाँ, वो 1 किलोमीटर दूर है अपने। एक ही बार में अंदर ले लेते हैं मतलब? हाँ एक बार में अंदर ले लेते हैं, बिठा देते हैं, फिर वहाँ पर नंबर बोलते हैं, वो हाँ। नाम बोलते हैं, लिस्ट है उनके पास में, 20-20 सड़कों की लिस्ट बनाते रहते हैं, वो नंबर डालते रहते हैं उसपे। हाँ तो वैसे 20-20 लड़कों के नंबर डाल दिए और बना दिए उन्होंने, मेरा था 15 नंबरों का भेज, तो उसपे मेरा नाम आया, फिर उन्होंने बिठा दिया 20-20 के, वहां पर अंदर जा रहे थे, फिर वहां पर उनकी बायोमेट्रिक हो रही थी। हाँ बायोमेट्रिक होने के बाद में उन्होंने कहा लाइन में खड़े हो जाइए, फिर बाप की सब लाइन में खड़े हो गए। हाँ तो वहां पर ना जो चार तो चूल्हे इधर रखे हैं, चाल इधर रखे हैं, और सामने सर बैठे हैं बड़े सर। हाँ उनके पास में मसाले और दाल रखी है। हाँ हर प्रकार की दाल मिलेगी आप, मतलब आप जो मैंने एक वीडियो बनाई थी दालों का मसालों का, उसमें हाँ, कुछ आया? वो देखा था मैंने सर, उसमें से कुछ आया? हाँ उसमें से ऐसा, वहाँ पर गाँव में बातें हैं, तुअर की दाल, चने की दाल, ये तो फिर भी अपनी वीडियो में से क्या क्या है आपकी? आपकी वीडियो में से सब कुछ आया ना, उन्होंने पूछा जो आपकी वीडियो के अलावा कुछ नहीं किया, ओनली सब्जी की परेशानी थी, उन्होंने सब्जी में तो कुछ भी बनवा सकते हैं। तो फिर भी सब्जी बनवाना भी मैंने एक दो बताया है, और मतलब काटना पीटना फिर भी मैंने जो है एक तरीके से क्या मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अपन लाइन में खड़े होते हैं तो वहाँ पर वो एक एक को बुलाते हैं, थोड़े गेप से है ना, कपूरथला की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर बुला लेंगे सर, तो दो सर बैठे हुए हैं दोनों साइड,
एक सेम ही मसाला है, तो आप पुलिस के पास वो भेज देंगे, वहाँ पर पुलिस लगी हुई है। हाँ। फिर वो आपको डंडी से बताते हैं कि भैया कौन सा मसाला है, ये कौन सा मसाला है। आपसे 8-10 नाम पूछते हैं वो, कम से कम 8-10 नाम, ज्यादा भी यही और कम भी यही, इससे ज्यादा नहीं पूछते। आपने अच्छे से नाम देना है, एक दो गलत भी हो जाएगा तो फिर भी गर्व बात नहीं है, आपको अच्छे से नाम देना है। मेन बात तो यही है कि लड़कों को माइंड डिस्क्वाल कर देते हैं वो। मसालों वाला मतलब अपना वीडियो देखे हैं तो हो जाएगा काम? बिल्कुल हो जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और आपको ज्यादा ही परेशानी तो आप दुकान पे से स्टोर पे से लेके और देख लीजिए, जैसे पिस्ता हुआ मसाला से ज्यादा भी नहीं है कि आपसे होगा नहीं। डीपली आप घर पे नॉर्मल यूज होते हैं वो, ये सौंठ है, काले मिर्च, इलायची, पीली राई, काली राई रखी हुई है, उड़द की दाल, तूर की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल। मैंने मसालों के 2-3 वीडियो बनाए हैं, कुछ बच्चों ने मतलब सब कुछ देखा सर मैंने, तो सब कुछ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, सभी बच्चे जितने भी सुन रहे हैं कंटेंट है। आपकी कोई सी वीडियो मिस नहीं करेगा, सिलेक्शन लेना है तो जरूरी आपकी वीडियो देखे या कोई सी वीडियो देखे यूट्यूब पे, पर जरूर देखे। हाँ। अब जैसे ही वहां पर गए तो फिर उन्होंने मेरे मसाला पूछा तो मैंने हाँ। उन्होंने खड़ा कर दिया। उनको रोक दिया बुलाने वाले को, और फिर हमको बुलाया और हमसे नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसके बाद में कि आपको दो रोटी बना के लानी है, तो सबसे पहले आपको नमक नहीं डालना है सब्जी उसमें आटे में। लड़कों से कपूरथला जाने वालों से कि आप ना 3 रोटी का आटा लगाओ, आप 3 रोटी बनाओ। हाँ। उसमें से आप 2 रोटी अपनी सिलेक्ट करो, कोई भाग जाके दिखाओ। आपसे आके कोई ये नहीं कहेगा कि आपने 3 क्यों बना दी, ये कैसे बना दी, आप इतना टाइम क्यों ले रहे हो। हाँ। कोई नहीं पूछेगा आपसे, आराम से बनाओ 3 रोटी बनाओ, अच्छी सी 2 रोटी बनी है उन्हें ही चेक कराओ। हाँ। अगर आपकी 2 रोटी भी नहीं बन रही तो आप ना आटा और लगा लो और बना लो, वहां कोई नहीं देख रहा, तो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। हाँ। आपको जैसे रोटी बननी लाइन में खड़ा होना, फिर बुलाएंगे तब आप रोटी चेक करेंगे। हाँ। रोटी फुली हुई भी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपकी रोटी अच्छी नहीं है तो डिस्क्वाइल कर देंगे। अगर अच्छी है, फुली हुई है, गोल है, तो आपको फिर लाइन में खड़े कर देते, वो दे देते कि अब आपको सब्जी बना के लाना है। सब्जी क्या क्या बनवा रहे थे सर? अब सब्जी सर वो आलू बनवा सकते या फिर आपको आलू करी बना सकते हैं, रायता बनवा सकते हैं, आलू पालक बनवा सकते हैं, आलू टमाटर, आलू छोला। मोस्ट ऑफ चीजें जो है ये बता रहा हूँ, ये परफेक्ट है। और दाल बनवा सकते हैं। हाँ। मसाला सब कुछ मारा का है। बहुत अच्छे से तरह से, कोई वहां पर वो फेर बदल नहीं करेंगे आपसे, बिल्कुल आप जो कहेंगे वो दे देंगे, जैसे मांगोगे वैसे दे देंगे। वो बस थोड़ा आपको सादा चावल उबाल के लाना है बस। हाँ। किसी को सलाद मतलब फर्स्ट मसाला का राउंड को सबको क्लियर करना है, उसके बाद में जो वो एक 3-4 लड़कों में से एक लड़के को दे देते भी रोटी बना के लिया। हाँ। दूसरे में तो चावल साबुत उबाल के लिया। और किसी से बोल देते हैं कि आप सलाद काट के ले आइए। हाँ। तो लड़के क्या रोटी बना लेते हैं, चावल भी अच्छे से उबाल लेते हैं, लेकिन सलाद नहीं काट पाते। सलाद में तो मैं ये कहूँगा कि आप घर पे सलाद, जितने भी लड़के हैं घर पे सलाद काटो। हाँ। अच्छे तरीके से, अच्छी डिजाइन से मोबाइल में देखो, उसे अच्छे से काटो। हाँ। क्योंकि फिर वो सेकंड राउंड में डिस्क्वालीफाई कर देते हैं लड़कों को, फिर उसमें से अब जैसे कि 100 में से 25 लड़के लिए तो उसमें से फिर 15 ही रह जाएंगे। हाँ, मतलब वो तो छटनी चलती रहती है हर राउंड में। छटनी हर राउंड में। उसके बाद मेरे से कहा कि सब्जी बना के लाओ आप, आलू पालक की। तो पालक भी वहां पे खत्म हो गया था, थोड़ा पालक रहता था वो भी गंदा था, तो उसको साफ आफ करके और हम सब्जी बनाई। तो उन्होंने हरी मिर्ची थी उनके पास में, लाल मिर्च डालना नहीं था उसमें, तो हमने अच्छे 1 चम्मच तेल लेके कम वाला फ्राई करके उसमें हरी मिर्ची डाली। वो हरी मिर्ची इतनी तीखी है वहां पर, बिल्कुल तीखी मिर्ची आती ना छोटी वाली,
वो रखी हुई है, तो कोई इतनी पीखिएगा, आपको मर्ची नहीं डालनी, किस कुछ भी बनाओ मर्ची मत डालना बस, कोई भी लड़का अगर कुछ भी बना रहा है तो उसको मर्ची नहीं डालना बिल्कुल ही, तेज हो जाएगा नहीं तो। हाँ ये गाइड तो बिल्कुल मोस्टली अगर आपकी सब्जी तीखी है ना तो सिलेक्शन वहीं रुकेगा आपका। हाँ मेरा तो उसी से रुका है कि मेरी सब्जी थोड़ी तीखी थी। और वैसे मैंने चेक, आप चेक भी कर लो, अपन जो बना रहे हैं ना उसको बनाने के बाद में ले जाने से पहले आप खुद चेक कर लो कैसी बनी है और फिर वहां पर ले जाओ, ये भी सुविधा है बिल्कुल। आप टाइम भी, और ये नहीं कि आप अच्छी बन रही है ना तो आप उसको, अगर आपसे लगता है कि यार इसमें नमक कम, आप चेक करके ये नमक कम है तो उस हिसाब से नमक डाल लो। हाँ। आप खीर भी बनवा रहे हैं वो सेकंड राउंड में, हाँ। रोटी आपका उसके बाद में खीर बनवा सकते हैं आपसे, या रायता हो सकते हैं आपसे, दाल बनवा ले जब दाल बन... इसमें डिस्पैल बिल्कुल नहीं करना, जो इसमें पास हो गया वो पास है, यहाँ तक जो पास है। क्या मेरी सब्जी थोड़ी तीखी थी, मर्ची डालनी नहीं है किसी को भी, हरी मिर्ची नहीं डालनी है, यूज करना तो लाल मिर्ची का ही करे, जो भी सब्जी लाल मिर्ची डालने वाली, जैसे अब आलू पालक नहीं डलती तो नहीं डालना बिल्कुल अपन। हाँ अच्छे से पका के और ले जाइए, फिर वो चेक करते है ऐसे चम्मच से चेक करते है, फिर खाके भी चेक करते है वो। हाँ फिर चेक करके वो नंबर से डालते है और उसके बाद बिठा देते है सबको। बिल्कुल सर, तो मैं तो तीनों राउंड में गया, तीनों राउंड में मैंने दिए, अब मसाला बताया, रोटी बनाई और सब्जी बनाई, उसके बाद फिर उन्होंने कड़ा कर दिया और 4 बजे से आपका वहां पर क्या कपूरथला में 3 बार वो रिजल्ट आता है, 12 बजे 200 लड़कों का, फिर 3 बजे 200 लड़कों का, फिर बच्चे वालों का 5 बजे। हमारे मतलब कुल 7 लोग ही पास हुए ना। हाँ और हमसे पहले वाले जो 200 लड़के थे उसमें से 4 पास किए, यानी कुल मिला के वहां पर 15 लड़के पास किए थे, 500 से ऊपर लड़के थे। तो सभी लड़कों से मेरा एक ही बात कहना है कि थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके जाइए, कंटिन्यू वीडियो वॉच कीजिए तो हो जाएगा लगभग। हाँ सर यही बात है ना सर। हाँ बिल्कुल सर, आपका जो बनते लड़के थे आपकी वीडियो जरूर देखे। बिल्कुल सर, और सर मैं वीडियो के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा सर, MCA डिफेंस एकेडमी जो आपने शायद तैयार हो चुकी है, मतलब उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इनके फ्यूचर कोई भी डिफेंस का एग्जाम होता है तो उसको मैं सबसे पहले अपडेट करूँगा। लाइक भी सब्सक्राइब भी कर ले, आपकी प्रत्येक वीडियो देख ले जितनी भी हो सके उतनी, और जो मसाले वाली दाल वाली ये तो देख के जाए, मसाला दाल तो आपको पहला राउंड में मिलेगा, ये तो पास करना है, इसमें ही डिस्क्राइब कर देते हैं वो ज्यादा कलर को। हाँ ये भी आपका कहना सही है, सबसे मेन तो यही है। मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूंगा कि बच्चों से मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं, तो आप लोग थोड़ा सा मुझे इतना सपोर्ट कीजिए कि वीडियो को शेयर जरूर करें। बिल्कुल सर, हर एक ग्रुप में शेयर जरूर करें। हाँ सर। सर और कुछ आप बच्चों से कुछ मोटिवेशनल कहना चाहोगे सर? हाँ मतलब इतना टाइम भी। हाँ हाँ अच्छे से बताइए, वहाँ पर टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, आप आधा घंटा एक घंटा, क्योंकि वहाँ पर आज के स्कूल है ना, लड़के क्या है खड़े रहते हैं भाई, उसका बनेगा तभी आपका नंबर आएगा, तो आप आराम से बनाइए। मेन बात तो ये, अगर आप सब्जी बना रहे हो और अच्छी नहीं बन रही है ना, आपसे सब्जी मेरे से अच्छी नहीं बनी, तो आपके पास फिर लगता है कि आपको टाइम है और सब्जी आपकी हल्की जल्दी बन जाती है, मतलब इतना पर भी कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे, आप पे ध्यान रहेगा ही नहीं, उनका सबका अपना अपना काम है। मेन मोस्ट बात तो यही है कि अगर आपको लगता है कि आप हाँ सर, अब आपको लगता है कि आप बनाना जानते हो अच्छे से, आप मान लो
ठीक ही हो गई है, क्योंकि पता नहीं रहता ना भाई कि अपन घर में मर्जी यूज करते हैं वो ज्यादा ठीक होती है या कम ठीक होती है, या ज्यादा ठीक। हाँ सर, इसे राउंड में। हाँ सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो अपना कीमती समय दिया इसके लिए। हाँ, मेरा नाम राम प्रसाद सर। सर आप अपना एक फोटो भेज दीजिए जस्ट अभी। सर फोटो इसी पे? हाँ इसी नंबर। हाँ सर, थैंक यू।